इंडस्ट्री परचेज में आप क्वालिफिकेशन कैसा रहा, आपका क्वालिफाई किया कैसा रहा, आपका क्या एक्सपीरियंस परफॉर्मेंस आपको? अच्छा था, जो प्लान किया था उसके हिसाब से स्टार्ट किया था और रेस अच्छी थी। पहले से मतलब था कि फाइनल्स के लिए कोई मुश्किल नहीं, और वैसे प्लान से गए थे और वैसे स्ट्रांग फिनिश नहीं करना पड़ा तो फाइनल में गए। पहला तो एम था जो फाइनल के लिए, और नेक्स्ट है जो फाइनल्स में अच्छा करना है, तो होप है कि फाइनल्स के लिए अपना मैं बेस्ट दूंगा। बिल्कुल, और फाइनल के लिए कैसी तैयारी कैसी है और अंदर जोश कैसा है? जोश तो अच्छा है, देखो जो मेहनत की है पिछले मतलब अक्टूबर नवंबर से एशियन गेम्स के बाद, तो वही सोच के किया है कि पिछले ओलंपिक्स में अच्छा नहीं कर पाया था, इस ओलंपिक्स में कुछ करना है, तो देखते हैं। बाकी मेहनत मेरी तरफ से अच्छा है, मेंटली प्रिपेयर हो कि अच्छा करना है। रिजल्ट अपनी तरफ से तो मेरा कोशिश करूंगा कि मुझे बेस्ट करना है। बाकी 7 तारीख को मतलब रेडी होके मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल, और एक और चीज मुझे आखिरी सवाल पूछना था आपसे कि जो फाइनल जो है बहुत ही मजेदार होने वाला है, और मुझे याद है केनिया से आपका एक हमेशा एक बड़ा ही अच्छा कॉन्टेस्ट रहता है, जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स में 2 केनियन के बीच में थे, एक गोल्ड और एक ब्रॉन्ज, बीच में एक इंडियन सिल्वर जो कि आप थे, तो उसको देख के कैसा लग रहा है केनियन से और किस किस देश से आपको कॉम्पिटिशन मिलने वाला है? कॉम्पिटिशन तो काफी है, मतलब इतना इजीली नहीं है, लेकिन जो तैयारी है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि जो भी रिजल्ट रहेगा अच्छा रहेगा, कॉमनवेल्थ से अच्छा रहेगा, और जो भी है मतलब 7 तारीख को लिए रेडी है, ट्रेनिंग अच्छी है, तो कंप्यूटर तो काफी है उसमें, मतलब इतना इजीली नहीं है कि हम किसी को मतलब ये कर रहे कि अब या बहुत बड़ा होप लेके जा रहे हम ये ही करेंगे, लेकिन जो ट्रेनिंग है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि किसी भी तरह की रेस चली जाए या कुछ भी हो उसके लिए 100% रेडी है और अपना बेस्ट देने के लिए रेडी है।